हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यूपीएसआई लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत आज फ्रैक्शन का एक सामान्य टॉपिक, अच्छा टॉपिक कहने में जरूर सामान्य है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे एक अनिवार्य प्रश्न आपकी यूपीएसआई की परीक्षाओं में बराबर बनता रहा है। इवन चाहे जो भी कॉम्पिटिशन हो, मैथमेटिक्स पार्ट के अंतर्गत एक ऐसा सेक्शन है जिनसे एक प्रश्न सामान्यतः दे ही दिए जाते हैं। तो बड़े ध्यान से इस पूरे टॉपिक को देखिएगा। शुरुआत में मैंने जरूर हेडिंग किया है साधारण प्रश्न, लेकिन आपको मैं बता दें कि इस तरीके से जो पांच हेडिंग बैक टू बैक मैं रखूंगा, ये पांचों इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फ्रैक्शन के अंतर्गत आएंगे। भिन्न के जो सामान्यतः कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट को टच करते हैं, वो शुरुआत के पांच टाइप ध्यान देना। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये शुरुआत के पांच बेसिक हैं तो इस पर कम ध्यान दें। आपको बता दें यही पांच छह जो हेडिंग हैं प्रश्न पॉसिबिलिटी पूछे जाने की ज़्यादा होती है। हालांकि आगे के जो शाब्दिक प्रश्न हैं उनका भी अपना महत्वपूर्ण रोल है परीक्षाओं में। तो चलिए देखें क्रम से, एक सिस्टम से चले। और अभी फिलहाल साधारण प्रश्न की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें ध्यान देना। एक प्रश्न मैंने लिखा है एक माइनस एक बटे दो गुणा एक माइनस एक बटे तीन फिर एक माइनस एक बटे चार होते हुए एक माइनस एक बटे बीस है। अच्छा, अभी ध्यान देना, जब प्रश्न को हम हल करेंगे तो सबसे पहले दो का गुणा तिरछा एक में गुणा करें तो दो एक का दो हुआ माइनस एक, कितना आया एक बटे दो। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। अब तीन का गुणा एक में तीन एक का तीन माइनस एक कितना हुआ दो बटे में तीन। फिर गुणा चार का गुणा तिरछा एक में चार एक का चार माइनस एक तीन तीन बटे चार। और यही प्रोसेस चलता रहेगा। बीस का गुणा एक में बीस एक का बीस माइनस एक उन्नीस बटे बीस। अब आप यहां से देख पाएंगे ऐसे प्रश्नों की जो फ्रेमिंग होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, एक इसका जो रिजल्टेंट आता है सिंपल फ्रैक्शन के रूप में। इन पूरे पदों में सारे पद कैंसिल होते रहते हैं। यदि पहले पद से अंश बचेगा तो लास्ट वाले पद से हर बचेगा, और यदि पहले वाले पद से हर बचा तो लास्ट वाले से अंश बचेगा। कुछ इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग होती है। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये दो से दो कट गया, यहाँ तीन से ये तीन कट गया, ये चार से आगे चार कट जाएगा, यहाँ से अंश बचा है तो निश्चित रूप से वहां से हर बचेगा, और ये 19 इसके ठीक पीछे वाले पद से कट जाएगा। अब आप सोचे होंगे कैसे, तो पहले ध्यान देना, यहां दो है, यहां तीन है, यहां चार है, पांच है, छह है, बढ़ते हुए पहले 19 आएगा, एक माइनस एक बटे 19 आएगा, तब एक माइनस एक बटे 20 आएगा। अब यदि पीछे एक माइनस एक बटे 19 है तो 19 एक का 19 माइनस एक कितना हुआ 18 बटे 19। तो ये 19 से 19 कट गया और ये 18 उसके पहले से कट जाएगा। कहने का मतलब बस इतना समझना, यदि पहले वाले पद से अंश बचा तो लास्ट वाले पद से हर बचेगा, मतलब अंश में एक है और वहां से हर में क्या है 20। यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल और इसी पैटर्न पर देखें। जैसे हमने लिखा है दो माइनस एक बटे तीन इंटू दो माइनस फिर तीन बटे पांच इंटू दो माइनस पाँच बटे सात, और यही प्रोसेस चलता रहे। दो माइनस नौ सौ सत्तानवे और बटे में 999। अब मैंने पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो चलिए, अच्छा अभी ध्यान देना, सब कुछ हल करने का तरीका वही है। पहले तीन का गुणा तिरछा दो में तीन दुना छः, छः माइनस एक कितना हुआ पाँच, और बटे में कितना है तीन। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी तरीके से पांच का गुणा तिरछा दो में गुणा करिए तो पांच दुना दस, दस माइनस तीन कितना हुआ सात, सात बटे पांच सॉरी। अभी ध्यान देना, सात का गुणा दो में सात दुना चौदह, चौदह माइनस पांच कितना हुआ नौ बटे सात। और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहे। 999 का गुणा दो में और 999 का गुणा दो में गुणा करेंगे 1998 आएगा, और 1998 में से माइनस करेंगे 997 कितना आएगा 1001 सॉरी, और बटे में 999। अब यहां से आप देखते चलें, पिछले की तरह ही
मैंने कहा कि यदि पहले वाले पद से अंश बचेगा तो लास्ट से हर बचेगा, और यदि पहले वाले पद से हर बचेगा तो लास्ट में अंश बाकी बीच के सारे पद कैंसिल हो जाएंगे। जैसे सॉरी, ये पांच से पांच कटा, सात से सात, आगे नौ से नौ, और ये कैंसिल होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहां से हर बचा है तो लास्ट से अंश बचेगा, और 999 इसके ठीक पीछे वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, यहां से हर बचा है और वहां से अंश बचा है, तो अंश में 1001 है और हर में कितना है, ये हमारा रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। तो एक बेहद सिंपल पार्ट है, इस सेक्शन को आप देख रहे हैं, 1001/3 हमारा आंसर मिला है। अगले टाइप की ओर चलते हैं, और मैंने आपसे शुरू में ही कह दिया कि शुरुआत के पांच हेडिंग बिल्कुल इंट्रोडक्टिव पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन होंगे, लेकिन इन सबका अपना रोल है, महत्वपूर्ण टाइप है, इन सबको ध्यान से देखते चलना है। तो हेडिंग करना अभी टाइप दूसरा, देखिए जो टाइप दूसरा होगा इसके लिए एक छोटा सा हेडिंग बनाना, जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, ये हमारा हेडिंग है। और आपको बता दें जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, तो नोट करके यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान देना कि जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप कांस्टेंट का प्रयोग करना, स्थिरांक का प्रयोग करना। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हमने प्रश्न ये लिया कि यदि a बटे 3 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 5, तो हमने आपसे पूछा कि a प्लस b प्लस c और बटे a का मान क्या होगा। अच्छा, फिलहाल तो अभी आप इतना समझना कि ये तीनों व्यंजक आपस में बराबर है, ये पहला पद दूसरे के बराबर है, दूसरा पद तीसरे के बराबर है, आप समझ गए होंगे। हालांकि रिजल्ट क्या है, एक आसान पार्ट है, ये तीनों पद आपस में बराबर तो है, लेकिन ये तीनों किसके बराबर है ये हमें पता नहीं है। तो हमने मान लिया कि ये जो तीनों पद बराबर है, कौन कौन से, a बटे 3 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 5, ये जो तीनों बराबर हैं हमने माना ये सब बराबर है किसके, कांस्टेंट k के। a बटे 3 बराबर b बटे 7 बराबर c बटे 5 हमने माना ये सब किसके बराबर है, कांस्टेंट k के। अब आपको करना क्या है, बारी बारी से इन सभी पदों को कांस्टेंट के बराबर दिखाना। जैसे सबसे पहले हम पहले वाले पद को बराबर k के दिखाएं, तो एक चीज समझना, जैसे पहला पद कौन सा है, a बटे 3, और a बटे 3 को मैं बराबर दिखा रहा हूं किसके, a बटे 3 को बराबर कांस्टेंट के दिखा रहे हैं। अब यहां से सॉरी, यहां से a का मान निकालना हो तो हम क्या करें, जो 3 भाग हो रहा है इस 3 को दूसरे साइड पक्षांतर कर दे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 दाहिने तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो a बराबर हुआ 3 के। तो यहां से समझना a बराबर कितना गया, 3 के। अच्छा, इसी तरीके से b बटे 7 हम इसको भी बराबर दिखाएंगे कांस्टेंट के, तो बताइए 7 भाग हो रहा है दाहिनी तरफ गुणा हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा, 7 वहां गुणा होगा तो b बराबर हो जाएगा 7 के। और इसी तरीके से
सी बटे पांच को भी बराबर कांस्टेंट के दिखाएं तो सी बराबर कितना हो जाएगा, पांच भाग हो रहा है दाहिनी तरफ गुणा होगा तो पांच का गुणा के में कितना हो गया, पांच के। अब हमें ए बी और सी तीनों के मान पता हो गए तो हमसे पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में ए का मान, ए प्लस बी प्लस सी बटे किसका मान, ए का मान, यही हमसे पूछा गया। तो बाकी अब आपको करना कुछ नहीं, केवल वैल्यू को प्लेस करना। ए का मान कितना है, ए बराबर है थ्री के, प्लस बी का वैल्यू कितना है सेवन के, और प्लस सी का वैल्यू है फाइव के अपान ए, ए का वैल्यू कितना है थ्री के, जोड़िए तो कितना है तीन के प्लस सात के कितना हो गया, तीन के और सात के दस के, और प्लस पांच के कितना पंद्रह के, और बटे तीन के से के कैंसिल, पंद्रह में तीन से भाग करेंगे तो पांच बच जाएगा, ये हमारा रिजल्ट रहा। चलिए इस पैटर्न का हम एक सवाल और देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था ये, बस इतना ध्यान देना कि जब तीन या तीन से अधिक व्यंजक आपस में बराबर दिखाई दे तो प्रश्न को हल करने के लिए आप कॉन्स्टेंट का प्रयोग करिएगा। चलिए अभी एक प्रश्न और देखें, यदि a प्लस बी बटे सी बराबर बी प्लस सी बटे a बराबर सी प्लस ए बटे बी, ये सब बराबर है कांस्टेंट के तो हमसे पूछा है k का मान क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा। अच्छा यहाँ से आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये तीनों जो पद बराबर हैं एक कांस्टेंट के बराबर है तो आखिर के का मान होगा क्या। देखिए इस प्रश्न को हल करने के कई मेथड हैं, एक तो जो व्यवहारिक आपने कांस्टेंट को लिया है वो तो है ही, दूसरा अनुपात नियम होता है रेशियो रूल होता है उसके माध्यम से, और तीसरा हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए मैं इन सब पर फोकस करा देता हूँ। पहले तो फिलहाल आपको इतना ध्यान देना है कि ये तीनों पद कांस्टेंट के बराबर है, और जब हम पहले पद को बराबर कांस्टेंट के दिखाएंगे a प्लस बी बटे सी, ये बराबर हम कांस्टेंट के दिखाएं तो आप समझ पा रहे होंगे कि c भाग हो रहा है, और यदि c को हम दाहिनी तरफ कांस्टेंट साइड भेज दें तो c का गुणा कांस्टेंट k में होगा तो c के, तो a प्लस बी बराबर यहाँ से क्या मिल गया c के। अच्छा दूसरा b प्लस सी बटे a ये भी बराबर है कांस्टेंट के, तो एक चीज़ फिर से समझना, a भाग हो रहा है ए को कांस्टेंट की तरफ भेजे तो ए का गुणा के में हो जाएगा ए के, मतलब बी प्लस सी बराबर कितना आ गया ए के। और इसी तरीके से तीसरे पद को बराबर कांस्टेंट के दिखाए तो बी भाग हो रहा है दाहिनी तरफ जाएगा कांस्टेंट साइड तो बी का गुणा के में बी के, मतलब सी प्लस ए बराबर हुआ बी के। अब हमारे पास ये तीन जानकारी है और तीनों जानकारियों से कांस्टेंट के का मान हमें निकालना है, आप कैसे निकालेंगे, घटाने पर तो आएगा नहीं, यदि तीनों समीकरणों को जोड़ लिया जाए तो जोड़ने से वैल्यू आ जाएगा, क्यों आएगा आप खुद ही देखिए। अच्छा जब जोड़ना तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड में जोड़ लेना और राइट वाले को राइट साइड, देखिए कैसे जोड़ेंगे, एक ए और प्लस एक ए कितना हो गया, एक ए प्लस एक ए कितना हो गया टू ए, और एक बी प्लस एक बी जोड़िए, एक बी और एक बी कितना हो गया टू बी, और एक सी जोड़ेंगे हो गया टू सी बराबर, ये तो लेफ्ट साइड मैंने जोड़ लिया, राइट साइड जोड़िए सी के, इसमें जोड़िए कितना ए के, इसमें जोड़िए कितना बी के। अच्छा अब इन तीनों पदों में आपको दो कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तीनों पदों में दो कॉमन है, कॉमन करेंगे तो यहाँ से ए बचेगा, यहाँ से बी बचेगा, और यहाँ से, और वहाँ तीनों पदों में कॉन्स्टेंट के कॉमन है, अब के कॉमन करेंगे तो सी प्लस ए प्लस बी आएगा, चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी आप लिख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया k बराबर दो, कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी वहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो देखिए ये तो एक कांस्टेंट रूल रहा जो हम सभी जानते हैं, एक तरीका है इसका और देखना अनुपात नियम ऐसे प्रश्नों के लिए ताकि आपका समय बच जाए। तो चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, एक एग्जाम एक मैथड आपको और बता देते हैं। देखिए एक निश्चित पैटर्न पर ये प्रश्न होता है, जब तीन भिन्न आपस में बराबर हो खासकर चर के संदर्भ में, तो देखिए अनुपात नियम कहता क्या है, पहले पैटर्न समझना, यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी और बराबर e बटे एफ, ये सभी कांस्टेंट के बराबर हैं,
या आपसे पूछा जाए कि ये तीनों पद बराबर हैं, तो तीनों पद किसके बराबर है, मतलब ये इसका प्रत्येक पद किसके बराबर है आपसे पूछा जाए, तो आप ऐसी स्थिति में अनुपात नियम का प्रयोग करिए। देखिए अनुपात नियम होता क्या है, अनुपात नियम ये कहता है कि जब ऐसे संदर्भ के प्रश्न लिए जाएं तो अंश को जोड़ लेना अंश में और बटे हर को जोड़ लेना हर में। कैसे, इसका अंश ए है, इसका अंश सी है और इसका ई है, तो अंश को अंश में जोड़ लेना और बटे हर को जोड़ लेना हर में, मतलब बी प्लस डी प्लस एफ, ये होता है अनुपात नियम। अब देखिए इस नियम के माध्यम से हमें ऊपर वाला सवाल हल करना है, तो मैं कैसे हल करूंगा थोड़ा ध्यान देना। अब ये तीनों पद बराबर है और तीनों किसके बराबर है यही हमसे पूछा है, मतलब ये तीनों जो बराबर कांस्टेंट है उसका मान क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस इन तीनों पदों के अंश को अंश में जोड़ देना और हर को हर में। जैसे यहां ए सी और ई जोड़ा बटे बी डी और एफ जोड़ा, तो चलिए अंश को जोड़ते हैं, इसका अंश है ए प्लस बी, अब इसमें जोड़ना है, इसका अंश क्या है बी प्लस सी, अभी जोड़ना है, इसका अंश क्या है सी प्लस ए, मैंने हम क्या किया पूरे अंश को जोड़ लिया, अब भाग देना इन पूरे के हर से, तो सी प्लस ए प्लस बी। अब आप बात समझ गए होंगे, ए के और ए के जोड़ेंगे तो टू ए आ जाएगा, एक बी प्लस एक बी टू बी हो गया, और एक सी कितने हो गए टू सी, तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, जिसमें यदि टू कॉमन कर ले तो ए प्लस बी प्लस, अब बटे में क्या है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो कैंसिल हो गया, वैल्यू बराबर किसके आ गया दो के, यही परिणाम रहा। तो ऐसे प्रश्न बेहद सामान्य होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल इसका और लिख दे रहा हूं, इसी पैटर्न के लिए एक सवाल में आपको और दे दे रहा हूं। चलिए मैंने एक प्रश्न और लिया, चलिए यदि तो मैंने पहले ही लिखा है, यदि a प्लस बी प्लस टू सी अपान सी बराबर a प्लस टू बी प्लस सी अपान बी बराबर टू ए प्लस बी प्लस सी अपान ए बराबर के है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब देखिए, मुझे इस तरीके से प्रत्येक पद को बराबर कांस्टेंट दिखाना ही नहीं है, जब इस तरीके से तीन भिन्न a बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ इस तरीके से दिए जाए, तो आपको करना क्या है इन सभी के अंश को अंश में जोड़ लेना और हर को हर में जोड़ लेना, मतलब a प्लस सी प्लस ई और बटे बी प्लस डी प्लस एफ। तो चलिए यहां से ध्यान देना, सभी के अंश जोड़ लिए जाए तो एक a प्लस बी प्लस टू सी यहां है, इसमें जोड़ना a प्लस टू बी प्लस सी और इसमें भी जोड़ना 2a प्लस बी प्लस, ये पूरा अंश जोड़ लीजिए और बटे इन सब के हर जोड़ लीजिए c प्लस बी प्लस ए। तो जोड़िए पहले a को a में जोड़ लेना, एक a और एक a कितने हो गए 2a और प्लस 2a कितने हो गए 4a, एक a और एक a कितने 2a और 2a यहां पर है 4a, और इसी तरीके से एक b और 2b कितने हो गए 3b और प्लस 1b यहां पर है 4b, 2c और प्लस c 3c हो गया और प्लस c 4c, कुल मिला के 4a प्लस 4b प्लस 4c हुआ, तो जिसमें आप 4 कॉमन करेंगे तो a प्लस b प्लस c है और अपान a प्लस b प्लस, तो ये कैंसिल हुआ, वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो ये रिजल्ट रहा। डायरेक्ट आप एक स्टेप में हल कर लीजिए, है ना, आपको कोई कांस्टेंट को बराबर दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए एक अगला टाइप करते हैं, देखिए जो तीसरा टाइप करेंगे सी करने के बजाय तीन लिखें, टाइप तीसरा जो है
यह भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। अच्छा, भिन्नात्मक योग के जो प्रश्न हैं इसमें अलग अलग कुल चार टाइप से प्रश्न बनाए जाते हैं, टाइप ए, टाइप बी, सी और डी। तो इसमें मैं हिंट कर दे रहा हूं, कुल चार टाइप है, ये चार संकेत मैंने किया है, टाइप ए, बी, सी और डी है। तो जिसमें से हम अभी फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं टाइप ए। पहले आप हमें देखिए, टाइप ए एक निश्चित पैटर्न पर बेस्ड होगा, एक निश्चित पैटर्न चलेगा, उस पैटर्न को हम फिलहाल अभी समझेंगे। लेकिन आप हमें अभी ये बताइए, मैं एक सही एक बटे दो लिखूं और एक प्लस एक बटे दो लिखूं, बताइए दोनों में फर्क क्या है? एक सही एक बटे दो लिख दें या फिर हम एक प्लस एक बटे दो लिखें, बताइए दोनों में क्या फर्क है? तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है, मैं आपसे पूछूं बराबर क्यों है? तो आप पहले शाब्दिक संदर्भ में बता सकते हैं कि एक सही एक बटे दो को हम पढ़ते हैं वन एंड हाफ, और इसको भी पढ़ेंगे वन एंड हाफ, एक और आधा। अच्छा, एग्जैक्ट रिजल्टेंट की बात करें तो तीन बटे दो ये भी आएगा, तीन बटे दो ये भी, कैसे? दो का गुणा एक में, दो एक का दो और प्लस एक तीन, तीन बटे दो। और यहां भी दो का गुणा एक में, दो एक का दो और प्लस एक तीन, तीन बटे दो। तो मतलब पैटर्न भिन्न का ये कहता है, जो पहला टाइप है वो बताता है कि यदि भिन्न के संदर्भ में ए सही बी बटे सी लिखा है तो आप रिप्रेजेंट करें ए प्लस बी बटे सी के रूप में। ये है। अब यदि इसकी कभी कभी हम जानकारी नहीं रखते हैं तो छोटे सवाल को भी हम एरर कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। चलिए अब हम इसके एक प्रश्न की स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने प्रश्न लिखा एक सही एक बटे दो प्लस ग्यारह सही एक बटे दो प्लस एक सौ ग्यारह सही एक बटे दो और प्लस 1111 सही एक बटे दो, इसका मान क्या होगा? अच्छा देखिए, जैसे ही ये प्रश्न हम देखते हैं हमारे खुशी का कोई ठिकाने नहीं होता है, हमें लगता है कि एक बटे दो इन सब में कॉमन है और मैं तुरंत क्या करता हूँ, एक बटे दो कॉमन करता हूँ, एक बटे दो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं और अंदर लिख देते हैं एक प्लस ग्यारह प्लस 111 प्लस 1111 और हल करते हैं 617 आता है और पहले ही ऑप्शन में 617 लिखा रहता है, मतलब सब गड़बड़ हो जाता है और कॉन्फिडेंस लगा के तो चले आते हैं लेकिन बाद में पता चलता है 617 तो होगा ही नहीं। ये जबरन एक बटे दो कॉमन कर लीजिए तो बात अलग है, गणितीय हिसाब से तो कॉमन है ही नहीं, क्योंकि हम जिस राशि को कॉमन लेते हैं दिए गए प्रत्येक पदों में उसी राशि से भाग देते हैं। फिलहाल के लिए आप इसमें तो कॉमन कर ही नहीं सकते, कैसे हल करें? आप पैटर्न जानते हैं, एक सही एक बटे दो को हम लिख सकते हैं एक प्लस एक बटे दो, तो इसको ओपन फॉर्म में लिखें, एक सही एक बटे दो को लिखें एक प्लस एक बटे दो प्लस ग्यारह सही एक बटे दो का मतलब हुआ इलेवन एंड हाफ, इलेवन एंड हाफ। तो देखिए ए सही बी बटे सी हुआ और इसको ए प्लस बी बटे सी लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर प्लस साइलेंट होता है तो इसको लिख सकते हैं 11 प्लस एक बटे दो और ए सही बी बटे सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी बटे सी, मतलब 111 के बाद प्लस कर दीजिए जो कि साइलेंट होता है, अब अलग से एक बटे दो लिख दीजिए और इसको उसी तरीके से ए सही बी बटे सी को ए प्लस बी बटे सी में लिखना चाहें तो 1111 प्लस एक बटे, आप इस तरीके से ओपन फॉर्म में लिख लिया करें। अब आप समझ गए होंगे हमें सबसे पहले पूर्णांकों को जोड़ना है, पहले जो पूर्ण वैल्यू हो उसको जोड़ लीजिए, एक प्लस ग्यारह प्लस 111 और प्लस 1111। तो जब चारों को जोड़ेंगे एक प्लस ग्यारह प्लस 111 प्लस 1111 तो आएगा 1234 और ये हाफ हाफ चार बार जोड़ेंगे, हाफ हाफ कितना हो गया एक, फिर हाफ हाफ कितना एक,
मतलब आधा आधा चार बार जोड़ेंगे तो कितना हो गया, दो, ये 1236 रिजल्ट रहा। तो आपको इस तरीके से हल करना, कहीं कॉमन करने की गलती नहीं करना, क्योंकि कॉमन करेंगे तो प्रत्येक पद में भाग देना होगा, भाग होगा ही नहीं, तो ये मिस्टेक नहीं करना। चलिए इस पर एक प्रश्न और लिखते हैं, बहुत चर्चित प्रश्न है। भिन्नात्मक योग के चारों टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी पैटर्न पर चलते हैं, यदि हमें पैटर्न पता है तो कम से कम समय में हल कर लेते हैं, पूरा देख पा रहे। चलिए ठीक, आगे लिख देते हैं। एक प्रश्न में मैंने लिया 999 से ही 1/7 प्लस 999 से ही 2/7, 999 से ही 3/7 प्लस 999 से ही 4/7 और 999 से ही 5/7 और फाइनली एक पद और 999 से ही 6/7 मैंने आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखें, यहां भी प्रायः हम लोग गलती वही कर जाते हैं, पूरा देख पा रहे हैं। चलिए यहां भी हम लोग प्रायः वही मिस्टेक कर जाते हैं, हमें लगता है कि 999 प्रत्येक पदों में कॉमन है और हम लोग करते क्या है, 999 ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन करते हैं और ब्रैकेट के अंदर 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 होते हुए प्लस 6/7 लिख देते हैं, हल करते हैं, 2997 उत्तर आता है, पहले ही ऑप्शन में दिया रहता है, हम लगा के चले आते हैं, ये भी गलत होगा। 2997 नहीं, हल करिए, 5997 आएगा। देखिए कैसे आएगा, इन सभी को ओपन फॉर्म में लिखे, इसके जो पैटर्न है, पैटर्न होता है ए से ही बी बटे सी कैन बी डिफाइंड बाई ए प्लस बी बटे सी, मतलब ए से ही बी बटे सी मिक्स भिन्न को यदि हम अलग अलग करना चाहे तो ए अलग करना बीच में प्लस बी बटे सी। तो यहां 999 से ही 1/7 को मैं 999 प्लस 1/7 लिख सकता हूं, ए से ही बी बटे सी को ए प्लस बी बटे सी। इसी तरीके से 999 से ही 2/7 को 999 प्लस 2/7 लिख सकते हैं, आगे 999 से ही 3/7 को 999 प्लस 3/7 और इसको ओपन करेंगे ए से ही बी बटे सी के रूप में तो ए प्लस बी बटे सी हो जाएगा। इसी तरीके से 999 प्लस 5/7 और फाइनली ए से ही बी बटे सी को लिख सकते हैं 999 प्लस 6/ अच्छा एक बात समझिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 पांच बार जोड़िए, बताते हैं आप 50, एक लाइन में बताना हो कैसे निकालेंगे। 10 10 हमें पांच बार जोड़ना है तो सीधा 10 × 5 कर दीजिए रिजल्ट। इसी प्रकार 999 प्लस 999 प्लस 999 जोड़ना है 6 बार, तो सीधा सीधा आप ऐसा भी तो कर सकते हैं 999 × चलिए 999 का तो हिसाब हो गया, 999 हमें कितनी बार जोड़ना था, 6 बार, मैंने 6 से सीधा सीधा गुणा किया, प्लस 1/7 प्लस 2/7, अभी जो भिन्न बचा है और क्या बचा है, 3/7 और आगे बचा है 4/7 5/7 फाइनली 6/7। अच्छा ये गुणा करिए, 6 × 9 = 54, 54 × 5 = 59, 9 × 5 = 56, 9 × 5 = 59, ये गुणा करने पर 999 का गुणा 6 में इतना आ गया। अच्छा इन सभी भिन्नों के हर बराबर है, तो जब हर बराबर है जोड़ना हो तो हर तो वही 7 ही होगा, लेकिन अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, अंश जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और 21 में 7 से भाग करेंगे 3 बार में कट गया, तो 5994 प्लस 3 कितना हो गया, 5997। तो ये कुछ पैटर्न है, इन पैटर्न को आपने देखा टाइप ए के अंतर्गत। भिन्नात्मक योग में अभी 3 पैटर्न और है, टाइप बी सी और डी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, आपका तीसरा टाइप पूरा होगा इसके बाद, फिर चौथा पांचवा और छठा, ये 3 और हेडिंग होंगे जो बेसिक पार्ट के अंतर्गत आएंगे। एक अच्छा पार्ट है, पूरे पार्ट को आप जरूर ध्यान से देखें, एक अनिवार्य प्रश्न आपका इससे अवश्य बनेगा। आज की क्लास फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में आपसे फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।